श्री हरि विष्णु देवाय नमः। हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, तरक्की और खुशहाली के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। तो इस साल अहोई अष्टमी का व्रत कब है, चलिए जानते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 अक्टूबर को दिन गुरुवार को सुबह 1:08 पर शुरू हो रही है और अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को 1:58 पर यानी शुक्रवार के दिन समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम के समय 5:42 से लेकर 6:59 तक रहेगा। वहीं तारों को देखने का समय शाम 6:06 तक है, जबकि चंद्रदेव को अर्घ देने का समय रात में 11:55 तक है। आप इस अवधि में अपनी पूजा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है, चलिए जानते हैं। माताएं अपने पुत्रों की कुशलता के लिए उषाकाल यानी भोर से लेकर कोधुली बेला तक यानी संध्या काल तक उपवास करती हैं। करवा चौथ के समान अहोई अष्टमी का दिन भी कठोर उपवास का दिन होता है। अनेक स्त्रियां पूरे दिन जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। आकाश में तारों के दर्शन करने के पश्चात ही उपवास का पारण किया जाता है। चलिए अब जान लेते हैं अहोई अष्टमी के व्रत में क्या किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी का कैलेंडर या मूर्ति, स्याहू माता, करवा, तिलक के लिए रोली, अक्षत और फूल, दीपक, दूब घास, श्रीफल, कलावा, बायना, 14 पूरी और 8 पुओं का भोग, खीर या हलवा, चावल की कटोरी, सिंघाड़ा, फल, वस्त्र, देने के लिए धन, नेक इत्यादि। पूजा विधि क्या है अहोई माता की, चलिए जानते हैं। अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा के लिए दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। वहीं जो लोग चित्र नहीं बना सकते हैं तो वह बाजार से अहोई अष्टमी का कैलेंडर ला सकते हैं। शाम के समय चित्र के सामने चौकी रखें और फिर पूरे स्थान पर गंगा जल से छिड़काव करें। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और रोली चावल से माता की पूजा करें। इसके बाद कथा सुने और आरती उतारें। फिर जब तारे निकल आएँ तो उनकी भी विधि विधान से पूजा करें। अहोई अष्टमी के व्रत में इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको इन बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, चलिए जानते हैं। यदि आप पहली बार अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं तो याद रखें कि व्रत के दिन दोपहर में सोने से बचें। आप दिन में अहोई माता का भजन कीर्तन करें, ऐसा करना बहुत ही फलदायी होता है। पहली बार इस उपवास को रखने वाली महिलाएं ध्यान रखें कि व्रत में सुई, कील जैसी नुकीली चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। अहोई अष्टमी व्रत में अहोई माता की कथा अवश्य सुने, साथ ही विधिनुसार उनकी पूजा अर्चना भी करें। इस दौरान संतान को अपने साथ रखें, इससे आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। व्रत का पारण रात में तारों को अर्घ देकर करना चाहिए। इस दौरान अर्घ देने के लिए चांदी से बने हुए लोटे का अगर आप इस्तेमाल करती हैं तो यह काफ़ी उत्तम है। अहोई माता की पूजा के लिए बनाए गए प्रसाद को संतान को भी अवश्य दें, इससे देवी की कृपा आप पर और उन बच्चे संतान के ऊपर अवश्य ही बनी रहेगी। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अहोई माता के व्रत में भोग क्या क्या हम लगा सकते हैं।
चावल की खीर, मालपुआ, मठरी, गुलगुले, सिंघाड़े का फल, मूली, दूध, चावल और गेहूं के साथ दाने, मेवे, फल, फूल और जलेबी। दोस्तों, ये तो थी हमारी जानकारी अहोई अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। धन्यवाद।